वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब जैसे ये बॉल है, इसकी वेलोसिटी इधर 1 है और ये v2 है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मीनिंग क्या है? द वेलोसिटी विद विच द सेपरेशन बिटवीन द टू इज डिक्रीजिंग। एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है? वेलोसिटी विद विच द डिस्टेंस बिटवीन द टू या सेपरेशन इज इंक्रीजिंग। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द टू डिक्रीज करे तो अप्रोच है, और ये डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द टू, कौन सा डिस्टेंस? लाइन ज्वाइनिंग द टू, वो अगर इंक्रीज करे तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लेते हैं हम। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगा? वी वन प्लस वी टू। अच्छा, इस केस में क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा? वी वन माइनस वी टू। दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग द टू, उसके अलॉन्ग जो वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा इस केस में? वी टू माइनस वी वन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज वी टू माइनस वी वन। तो डेफिनेशन क्या है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड सेपरेशन की? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड सेपरेशन इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बॉल्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू बॉल्स या टू पार्टिकल्स। रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच या सेपरेशन क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स। इस लाइन ज्वाइनिंग, ये जो लाइन है ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स, उसके अलोंग, अब जैसे एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल इधर है, तो लाइन ज्वाइनिंग, तो इस लाइन के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या सेपरेशन कहलाती है। अगर ये डिक्रीज करे तो हम उसको बोल देते हैं अप्रोच वेलोसिटी, और इंक्रीज करे तो बोल देते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब मान लो इसकी वेलोसिटी इधर v1 है, ये थीटा 1 है, और इसकी वेलोसिटी इधर v2 है, ये थीटा 2 है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगा? v1 cos थीटा 1 और माइनस v2 cos थीटा 2, क्योंकि अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू, उसके अलोंग देखना है रिलेटिव वेलोसिटी। अगर ये ज्यादा है v2 cos थीटा 2 अगर ज्यादा है तो फिर ये क्या बन जाएगी? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बन जाएगी, तो हो जाएगा v2 cos थीटा 2 माइनस v1 cos थीटा 1। तो ये क्या हो गया? रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स, उस पर देखना है रिलेटिव वेलोसिटी, वो होती है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या सेपरेशन। अच्छा, वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स क्या हो जाएगी? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, रिलेटिव वेलोसिटी किसी की भी बोल देंगे तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। वन टू लिखा है तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू अलोंग द लाइन, परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू अलोंग द लाइन, किस लाइन के अलोंग? परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स, मतलब ये पार्टिकल इसकी वेलोसिटी मान लो इधर है और इसकी ऐसे है, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स होगी, इसके परपेंडिकुलर, तो इस ये थीटा वन है तो ये कितना हुआ? अच्छा, अभी तो अकाउंट मैंने लिखा ही नहीं, सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स, तो ये कर देंगे तो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये अगर थीटा वन है, ये वी वन है, ये थीटा टू है और ये वी टू है, तो अलोंग द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द टू, तो इसके अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो गया? और वन विद रिस्पेक्ट टू टू, तो रिलेटिव वेलोसिटी वन कितना होगा? वी वन साइन थीटा वन माइनस वी टू साइन थीटा टू, और अपॉन ये मान लो था एल नॉट, तो ये हो गया एल नॉट।
तो ये आ गया वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये क्या होगा, ये अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होता है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। अप्रोच में भी यही होता है, सेपरेशन में भी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होता है। अगर आगे वाले की वेलोसिटी ज्यादा है तो वो सेपरेशन बन जाएगा, और सॉरी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगा, और अगर पीछे वाले की ज्यादा है तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगा, क्योंकि ये इसके पास जा रहा है तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाता है। अब ये देखो सेपरेशन, अगर मान लो ये पार्टिकल V1 से जा रहा है, ये पार्टिकल V2 से आ रहा है, तो सेपरेशन एट टाइम T क्या होगा, ये एट L नॉट थी एट T नॉट टाइम पे, एट T टाइम पे सेपरेशन क्या होगी, सेपरेशन एट टाइम T इज L नॉट माइनस सेपरेशन, मान लो सेपरेशन नहीं अप्रोच होगी ना, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, तो अप्रोच वेलोसिटी क्या होगी, सॉरी क्या बोलते हैं इसको यार, सेपरेशन, सेपरेशन एट टाइम टी क्या होगी, एल नॉट माइनस, ये जो सेपरेशन है ये कम हो रही है ना, अप्रोच कर रहे हैं, तो एल नॉट माइनस वी वन प्लस वी टू इंटू टाइम टी, ये हो जाएगी। अच्छा ये अगर इधर कर दूं मैं तब क्या हो जाएगी, सेपरेशन एट टाइम टी एल नॉट, अगर वी टू ज्यादा है तो क्या लिखेंगे, एल नॉट सेपरेशन एट टाइम टी इज एल नॉट प्लस वी टू माइनस वी वन इंटू टी, तब ये सेपरेशन टी हो जाएगी। अप्रोच कर रही थी तो सेपरेशन कम हो रही थी, अगर वी टू ज्यादा है तो सेपरेशन बढ़ रही है, तो वी टू माइनस वी वन हो गया। तो ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन अलोंग द लाइन देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, और ये एंगुलर वेलोसिटी के लिए रिलेटिव वेलोसिटी देखते हैं परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द टू और बाय सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स।